एल शेप बना सकते हैं। देखो यहाँ से पूरा एल शेप जाएगा इधर एक्सपो वाले में, फिर यहाँ से किंग से भी लड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर किंग के लिए आपको स्केल्टन स्पेल डालना पड़ेगा और कुछ हॉक को यहाँ डालना पड़ेगा ताकि वो ये इसको ना मार पाए। ठीक, तो जो एक्सपो और किंग को स्केल्टन स्पेल मार देंगे तो फिर आपके हॉक्स ना बिजी नहीं रहेंगे ज़रा, फिर वो इस पॉम्प टावर पर आ जाएंगे। फिर इस पॉम्प टावर पर आपको हील डालना है और दूसरा हील यहाँ डालना है। हो सके तो यहाँ पर हील्स कोई कोशिश करना कि हील ना लगे, वैसे हील लगेगा और रेज भी लगेगा आपका। ठीक, हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी मनीष फ्रॉम मनीष प्लेस गेमिंग चैनल। तो वेलकम बैक। तो आज हम टाउन 9 वाले आईडी में हैं, जहाँ हम आपको बताएंगे कि पैक्का वाले स्ट्रेटजी कैसे होती है। ये अपनी लिटरली बहुत ज़्यादा ओल्ड वाली स्ट्रेटजी है। जब टाउन 9 आया था तब से मैं इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जिसमें भैया आर्मी बहुत सिंपल है भैया। पैका है 3, 16 हॉग राइडर्स है अपने पास और सीसी में जाएगा अपने पास सुप बाउलर्स। ठीक है, आर्मी बहुत तगड़ी चीज़ है। देखो भैया, एक रेज है और 3 हीलिंग स्पेल और डबल पॉइसन, क्योंकि आप हॉग लेके जा रहे हो तो वहाँ पर स्केल्टन मिल जाएंगे कभी कभी, तो आप उसको मारने के लिए सिर्फ पॉइसन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सीसी में क्या रहेगा भैया? सीसी में रहेगा आपका बाउलर्स, 5 पाँच के पाँच बॉलर रहेंगे भैया हर टाइम। ठीक, ये जो बॉलर्स है ना, बॉलर्स का भी चेंज मत करना भैया। जब से TH9 में आया था ना ये बॉलर्स भाई साहब, तब से कोई बंदा इसको चेंज करना नहीं चाहता, तो हम भी चेंज नहीं करते भैया। वैसे आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ पैका बॉलर और हॉग्स इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया इसको ऑफ ही बेस कैसे करते हैं, पहले बेस को समझ लेते हैं। कल भी मैंने बताया था भैया, बेस को अपडेट नहीं करोगे था तो फिर आप अटैक भी नहीं कर सकते। देखो इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, देखो फोटो मोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। देखो तो इस स्ट्रेटजी में देखो टाउन 9 पे जो क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर होते हैं ये एक्सपो और क्वीन और क्लैन कैसल। टाउन को दिक्कत नहीं है, कोई टाउन अटैक नहीं करने वाला। ठीक, तो देखो भैया हमें 4 साइड देख लेनी है। ठीक है, 4 में से एक साइड हमारी क्या कहते हैं, 3 पेका जाएंगे और अपने हीरो चाहेंगे और बाउलर चाहेगा, जो कि क्या कहते हैं उस साइड में अटैक करेगा जहाँ पर आपको क्लैन कैसल, एक एक्सपो और एक क्वीन मिल जाए। ठीक है, तो इन चारों साइड में मुझे सिर्फ एक ही साइड दिख रही है, अब वो है ये वाली साइड। देखो ये वाली साइड दिख रही है मुझे, ये वाली जहाँ मुझे क्लैन कैसल मिल जा रहा है, क्वीन मिल जा रही है और शायद एक एक्सपो भी मिल जाए तो बढ़िया बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इतना बार मिलता है। ठीक है, ये देख लो भैया अच्छे से देख लो कि ये पूरा बॉक्स अपने को मिल जाता है। फिर बचता है ये वाला हिस्सा बचता है, तो इसमें आपको हॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो हॉगिंग का स्टार्ट वाला जो ऑप्शन होता है आपके पास ना, तो वो होना चाहिए आपका एक एल शेप का बनता है। ठीक, एल शेप में 3 हील स्पेल डाल दो बिंदास, या 2 हील स्पेल डालो सब चलेगा। एक हील स्पेल यहाँ डाल दो या फिर दूसरा हील स्पेल यहाँ डाल दो, और हील स्पेल को डालने की मतलब कोई मतलब नहीं बनता कि जैसे कि आप कहीं भी डाल सकते हो। लिटरली आपको वहीं पर डालना है जहाँ पर लगता है कि देखो जिसकी यहाँ पर बॉम्ब टावर है और यहाँ पर ये जाइंट बॉम्ब भी है, तो आपको सिंपल सी बात है यहाँ पर हील तो आपको डालना ही है क्योंकि ये भी फटेगा और ये भी फटेगा, तो आपका हॉक भी फटेगा, तो आपको हील तो यहाँ डालना है। और आपने यहाँ जैसे कि इस पर यहाँ पर ये फट नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर कोई आया नहीं ट्रूप, तो यहाँ मत डालो, वहाँ पर डालो जहाँ पर आपको तो लगता है बहुत ज़्यादा नीड है, आपकी हॉक्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाइट होने वाली है, मरने वाले हैं बोलो। ठीक है, तो बेस हमने रीड कर लिया, तो आओ फिर इस पर अटैक करते हैं। फिर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे दूसरे बेस पर, क्योंकि ये गाइड वाली स्ट्रेटजी नहीं होने वाली है और ये होने वाली है अपनी अटैक की स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हमें बहुत से अटैक करना है। ठीक है, तो फिर भैया ये देखो सीसी मैंने ले रखा है। ऑलराइट, तो लेट्स सी, इसमें मेरे को आर्मी को कॉपी करना पड़ेगा, एक मिनट गाइस। ऑलराइट, तो देखो भैया आर्मी ऐसी है। ऑलराइट, तो देखो भैया अपने हीरोस इसमें लो लेवल का रखा है मैंने, और ये किस चीज़ के लिए रखा है मैं किसी और नहीं बताऊँगा मैं। तो भैया देखो भैया देखो भैया यहाँ पर एक पैका डाल लेते हैं और यहाँ पर विशाड, यहाँ पर विशाड, यहाँ पर एक पैका डाल लेते हैं और यहाँ पर साठ, और लास्ट पे का यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे 1 2 3। अब देखो भैया छोटा सा फनल बनता है, बहुत छोटा सा, बहुत चार छोटा सा। अभी यहाँ पर एक रिजर्व कर देंगे भैया, बस
सीसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीसी बाहर आए किसी टॉ आएगा आएगा ना तो उस टाइम को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो किंग की लोटी मारो ताकि ये हिला मिल जाए कंपार्टमेंट, सिंपल हो गया। अभी देखो यहाँ से हॉगिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे कर दो, ये सब भी डाल दो है ना ताकि आपको कोई लेट ना हो। अभी यहाँ पर हीलिंग स्पेल डाल देते हैं और बाकी देखो। और राइट, तो देखो भैया ऐसे काम होता रहेगा। और राइट, अरे भैया अभी बूस्ट वूस्ट नहीं करना मुझे। देखा ये बॉम्ब डालो कभी कभी फटता है कभी कभी नहीं फटता है, तो आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो भैया कैसे फटेगा या कैसे नहीं फटेगा है ना। अभी यहाँ टेस्ला फार्म के वगैरह मैं हील डालूँगा। और राइट, तो देखो भैया टीच पे भी कुछ आश डाल देता हूँ तो मजा आएगा। और राइट, तो भैया यहाँ पर एक हील स्पेल का शायद मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ना, डबल पहुँचने का स्थान इस्तेमाल करना पड़ा मुझे, देखते क्या करना है कहाँ बनाना पड़ेगा। और राइट, तो हील और पॉइजन का स्ट्राइक कर देते हैं। और राइट, तो देखो भैया ऐसे अटैक हो गया अपना, ठीक है अभी तो ये फर्स्ट फिश था, ठीक है अभी और भी बेस पे अटैक करेंगे। ठीक है आ जाओ भाई, ये बेस क्लियर हो गया। अभी तो इस पर मेरे पास फ्रोजन एरो भी नहीं है भाई लोग, जिस दिन भैया फ्रोजन एरो होगा तब मज़ा आएगा भैया, अलग ही मज़ा आता है फ्रोजन एरो पे। तो देखो भैया फ्रोजन एरो होगा, अभी तो मैं है नहीं अटैक मैं इस पर कर नहीं रहा क्योंकि सिर्फ एक आईडी पे मैंने फोकस की थी, वो है थी मुनिस वाली आईडी, तो उस पर था कुछ था। ये देखो सुपर ड्रैगन अभी मिल रहा है सिर्फ, तो अभी हम 4700 पॉइंट पे और सिर्फ 600 मेडल्स हैं अपने जो कि बहुत कम है। कोई इतनी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो ये अपनी आर्मी रेडी है, तो आ जाओ फिर अटैक करते हैं हर एक बेस पे। मैं बस 30 सेकेंड ही होगा जिसमें आपको समझाना पड़ेगा, तो आओ फिर। टाउन 10 दे रहा है भैया, टाउन 10 पे अटैक नहीं करने वाले हम, ठीक है ये मैं सोच रहा हूँ कि टाउन 10 है भैया प्रो बन जाते भैया, आओ स्टडी सीख ली दो। तो भैया सिंपल स्टार्ट करते हैं। देखो भैया यहाँ पर सिंपल से अपने को एक्सपो और क्वीन मिल जा रहा है एक्सेस, और यहाँ पर देखो क्लैन कैसे, यहाँ पर क्लैन कैसे को हम यहाँ बुला देंगे अपने पास, ठीक है आओ फिर। एक यहाँ डाल देते हैं और एक तो यहाँ डाल देते हैं, दूसरा और तीसरा यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, बस सही है। इस वाले सेंक्चुअरी में कुछ मत डालो, यहाँ पर देखते हैं हॉक डाल दिया मैंने, ठीक है सीसी नहीं आई है। और राइट, तो देखो भैया यहाँ पर ये डालो और यहाँ पर रिचअप कर देते हैं, बस सिंपल हो जाएगा। और राइट, तो देखो भैया अब देखने दो क्या होने वाला है, ठीक है। और राइट, तो अपने इस पर एल से वाला पैटर्न नहीं बनने वाला भैया, अपने यहाँ सिर्फ ये वाला पैटर्न बनने वाला है। ये देखो एक टैरेट स्ट्रेट पाथ बनने वाला है यहाँ से अपना, कोई बात नहीं आप पेस को ऐसे क्लियर करते रहोगे ना भैया वैसे ही बनता जाता है भैया आपका। कुछ और यहाँ से भी डाल देता हूँ ऐसे करके, तभी तो मज़ा आएगा भाई, ठीक है। अपने को यहाँ पर तीन की तीन हील्स का स्वैग करना है भैया, तो भैया पहले तीन एक ऐसे में डालेंगे और दूसरा ऐसे डालेंगे और फिर ऐसे डालेंगे भैया अलग अलग तरह के स्पैक करना पड़ते हैं हम लोग को, क्या बात है। तो यहाँ पर बड़ी इस्तेमाल करेंगे क्वीन की भी इस्तेमाल करेंगे और पेस को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरा अटैक करेंगे, ठीक है अभी अपने अटैक की कमी नहीं है, बहुत से अटैक करेंगे अभी। ऑलराइट, तो देखो भैया टाउन 950 पॉइंट मिल रहे हैं अपने को, सही है, देखते क्या मिल रहा है भैया, क्लिक करते हैं इस पर। ओके 5150 पॉइंट पे हम लोग है, ओके सही है। देखो भैया ये वाला बेस है आपको पता ही होगा ये बहुत मिलता है, ठीक है पर ये पूरा ऑफलाइन बेस है तो इस पर अटैक नहीं करते, ठीक है थोड़ा हाई लेवल वाला बेस ढूंढते हैं, ठीक है यहाँ कुछ लग रहा है कुछ कुछ हाई लेवल, मेरे जैसे बेस नहीं है मैक्स नहीं है। पर देखो भैया ये देखो क्वीन का एक्सेस हमें यहाँ पर मिलेगा इतना, लेवल 6 की क्वीन है यार, मैक्स वाला बेस नहीं मिल रहा पर कोई बात नहीं, सीसी भी यहीं पर ही है। ऑल राइट, तो देखो भैया एक एक्सपो मरा पड़ा है एक एक्सपो जिंदा है, ठीक है तो यहाँ एक बारबिन और यहाँ एक बारबिन, एक हाचर यहाँ दूसरी यहाँ पर। अभी ये इस वाले सेक्शन में हॉग डालेंगे, ठीक है तो ये पी का जो है अटैक करते करते नीचे आ जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर
ऑल राइट, देखो फ्रंट तो सही बन गया भैया ये वाला। अरे मुझे यहाँ पर डालना नहीं था बॉम्ब, सुपर मतलब बॉल बॉम्बर डालना नहीं था मुझे यार। चलो कोई बात नहीं, अरे यार ये गलत जगह डाल रहे हैं। ठीक है अब नीचे पहुँच जाएंगे, फेंका था भाई गलत हो जाएगा सीन। देखो क्यों इनका एक्सेस मिल गया, एक्सप्लो का एक्सेस नहीं मिला, अभी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ से मैंने फ्रंट बना दिया, यहाँ से मैं रेचअप कर देता हूँ क्योंकि सबको ऊपर आना है। यहाँ पर मैं हॉ डालूंगा ऐसे, और यहाँ से उसके पीछे तीन आर्चर डाल देते हैं, तीन भाई तीन आर्चर। ऑल राइट, तो देखो भाई एक ही यहाँ पर डालूंगा विजार्ड टावर पे, और बाकी तीन हाँ वैसे तीन फिंगर से डालेंगे उसके पीछे, एक दो तीन डालेंगे। ठीक है दूसरा हिल स्पेल यहाँ डालेंगे, तीसरा हिल स्पेल स्वैग हो जाएगा, और तीन मिनट यहाँ डालूंगा थ्री फिंगर से, और एक बस सही है, एक हील का स्वैग कर देंगे डबल पॉइजन के साथ ऐसे। अरे यार क्लिक ही नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं। तो भैया ये दो अपने अटैक बड़े अच्छे से हो गए, बाकी अटैक भी करेंगे चिंता मत करो भाई लोग। स्टडी आप ट्राई कर सकते हो भैया, अभी भी चल रही है भैया ये टाउन 9 पे। इस स्ट्रेटजी को कभी किसी दिन हम टाउन 10 पर भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो ये टाउन 9 की बात हो रही है तो अभी सिर्फ टाउन 9 पर फोकस करते हैं। ऑल राइट, तो भैया देखो आर्मी रेडी है वापस से, और हम जा रहे हैं वापस से अटैक करने के लिए। तो भैया रेडी हो जाओ, इस बार थोड़ा हार्ड बेस तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, देखो भैया बेकार बेकार बेस मिल रहे हैं भैया। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सर्च कर लेते हैं ना, एक अच्छा बेस मिलेगा तभी मज़ा आएगा। देखो भैया ये थोड़ा कुछ अच्छा बेस है, आओ भैया देखो यहाँ पर क्वीन का एक्सेस यहाँ पर है, क्लैन कैसल यहाँ पर है, और इस पर क्वीन के बगल में ये एक्सपो है, दूसरा एक्सपो पे डाल देंगे अपने हॉक्स। ठीक आ जाओ फिर देखते कैसे बंदे का फनर। तो एक पैका यहाँ पर जाएगा और दूसरा और तीसरा इधर जाएगा। ठीक है मैं सोच रहा हूँ इधर ना भेजूँ, पैका को ऊपर ही भेजना है। ठीक है ठीक है, देखो एक थोड़ा ना है यहाँ पर किंग और क्वीन, बाउलर का वेट करेंगे बम को, बाउलर्स को थोड़ा अंदर भेजना है ना, तो क्वीन तो डेड हो गई यहाँ पर। और तो बाउलर अंदर जा सकते हैं, ठीक है एक पे का बाहर हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं सब सही है, यहाँ पर ना रेजअप डाल दूंगा मैं, एक एक्सपो चाहिए मुझे, किंग का अलग घूम रहा है। ठीक है एक एक्सपो, अरे पे का तो ठीक जा रहा है पर यहाँ पर बाउलर्स के साथ भी वो भी गलत जा रहे हैं यार। चलो ठीक है जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए ना वो मिल जाएगी। ठीक है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हॉक्स, ठीक ये सब डाल देता हूँ यहाँ पर, ये डाल देता हूँ और यहाँ पर ये डाल देता हूँ, यहाँ पर कुछ और चीज़ भी डालनी है ऐसे। यहाँ पर फर्स्ट हिल पड़ जाएगी, यहाँ पर किंग है भैया तो किंग भी धूमधाम करेगा, बाकी के एक रुक जाओ यहाँ पर पॉइजन डालता हूँ, दूसरा हील भी डाल देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बाकी इस पर बॉम्ब टावर पहुँच जाएंगे ना, तो ठीक है हो जाएगा अटैक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं बस, एक हील स्पेल लास्ट जो बचा हुआ यहाँ पर डाल देते हैं। तो भैया देखो भैया क्या ही डबल बॉम्ब और एक बॉम्ब टावर, सब के सब फट गए भैया। ऑल राइट, तो एक गॉबलिन ही पर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है भैया सब सही हो जाएगा। और तो ये बेस थोड़ा हार्ड था, एक ये वाला जो बेस है ना ये बॉक्स टाइप वाले बेस पे ना अच्छे काम करते हैं ये। ठीक है ये वाला स्ट्रेटजी अपनी हॉक्स वाले पैका के साथ बॉक्स टाइप पे बढ़िया बेस काम करते हैं ये, पर जगह जैसे कि ये चिपके चुपके बेस होते हैं ना तो उस पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास रहा होम विलेज है ना, इस पर क्या कहते हैं अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है आपका पैका वैका। देखो ये ला बेस कैसे, एक मिनट इसको नीचे करना पड़ेगा ना, लगा ही देते हैं यार मैं तो सूर्य कलेक्ट करने का, बस छोड़ो कोई बात नहीं जय माता दी। तो देखो भैया यहाँ पर क्वीन तो यहाँ पर है, क्लैन कैसे भी यहीं पर ही है, और ये टेस्ला फार्म भी यहीं पर ही है। ठीक है तो एक्सपो भी यहीं पर ही है, तो मुझे अगर सबसे बढ़िया पाथ है ना तो ये वाला पाथ है, बहुत बढ़िया पाथ है। यहाँ पर आप आओगे यहीं पर आपको आना है, आपके ट्रूप मर जाएंगे, मैं आपको बेस का बताता रहा हूँ मैं कि आप इस पर आओगे ना तो भाई कट सकते हो, पर भाई आपके ट्रूप भी बड़े जल्दी मर जाएंगे यार, याद रखना। ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो ये एक खाली स्पेस देखा ना ये ट्रैप है भाई एक आपका लिए। तो फिर जो जो भी है यहाँ पर अकेला सेक्शन क्लियर कर देते हो ना इतना सेक्शन, तो फिर आप इस सारे सेक्शन में पूरी की पूरी हॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, और एल शेप बना सकते हो। यहाँ से पूरा एल शेप जाएगा इधर एक्सपो वाले में, फिर यहाँ से किंग से भी लड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पर किंग के लिए आपको स्केल्टन स्पेल डालना पड़ेगा और कुछ हॉक को यहाँ डालना पड़ेगा ताकि वो ये इसको ना मार पाए। ठीक तो जो एक्सपो और किंग को स्केल्टन स्पेल मार देंगे तो फिर आपके हॉक्स ना बिजी नहीं रहेंगे ज़रा, फिर वो इस बॉम्ब टावर पे आ जाएंगे,
फिर इस पॉम्प टावर पे आपको हील डालना है और दूसरा हील यहाँ डालना है। हो सके तो यहाँ पर हील्स कोई कोशिश करना कि हील ना लगे, वैसे हील लगेगा और रेज भी लगेगा आपका। ठीक, तो ये तो हो गया मेरी बेस की बात में। अब दूसरा और भी फोर्थ अटैक करते हैं, आ जाओ। अच्छे अच्छे बेस नहीं मिलते ना भैया, मज़ा नहीं आता भैया। देखो भैया यहाँ पर ऐसा बेस मिला है, यहाँ पर ग्राउंड एक्सप्लोर जो कि हार्ड होता है, यहाँ पर बॉम्ब टावर नीचे लगा रखा है भाई ने, तो देखते हैं कितना हार्ड होने वाला है। क्वीन यहाँ पर एट लेवल 29, नाइस। किंग भी बढ़िया है, लेवल 30 का है। तो भैया ये हार्ड होने वाला है, अभी देखते हैं भैया कैसे होने वाला है। क्लैन कैसे यहाँ पर, तो मेरे को ये पास सही लगा, ये और की वाला बाकी ये ही इस वाले पाथ में मैं चलाने वाला हॉक्स। ठीक, आ जाओ फिर। एक दूसरा उसके पीछे ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे और किंग और क्वीन ऐसे, ये टूटना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पर एक तो यहाँ डाल देते हैं बॉल। उसको मुझे टायर अंडा भेजना ही है भैया इसके बाद। अरे यार और लेट, तो यहाँ पर ये डाल देते हैं, यहाँ पर रिजर्व कर देते हैं और यहाँ से हॉगिंग थोड़ा रुक के सोच रहा हूँ मैं शार्ट करने का। किंग बाहर मत जाओ, इधर अंदर अंदर खेलो। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। यहाँ पर सब सही हो जाएगा, ये एक्सपो निकल जाएगा। यहाँ से इसे डाल देता हूँ, देखते कितना हार्ड होता है। ठीक है, कितना हार्ड होगा जो भी होगा देख लेंगे भैया। ऑलराइट, तो यहाँ पर बॉम्ब टावर पे हील्स पैड डाल दूंगा मैं, कुछ ये सब डाल देते हैं, यहाँ पर ये सब डाल देते हैं। एक तो यहाँ पॉइजन डाल देता हूँ ना मैं, थोड़ा स्लो तो हो जाएगा। किंग मर गया अपना, इसका किंग अभी भी जिंदा है। यहाँ पर एक हील्स पैड डाल देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ पार्फिन डाल देते हैं, एक आर्चर यहाँ पर डाल देते हैं। तो बेस तो क्लियर हो गया भाई। ठीक है, बेस क्लियर हो गया यहाँ पर ना, इधर हील्स पैड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ तो पहुँच जाएगा सब, इधर नहीं पहुँचेगा कोई। तो अभी इस पर पॉइजन स्पेल डाल दूंगा, जब कोई इस पर अटैक करने जाएगा, एक बिगर ग्रुप जाएगा ना किंग पे, तो इस पर पॉइजन डाल देंगे, या फिर नहीं डालेगा तो भी चलेगा, क्योंकि लग रहा है यहाँ पर हॉग राइड है ना, वो पहले से कुछ खत्म कर देंगे, तो पॉइजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बेस हार्ड वाला बेस भी क्लियर हो गया भाई ने। ग्राउंड एक्सपो लगाया था भैया, फिर भी हमने बेस को तोड़ दिया। तो देखो भैया, मैं आपको बताया था कि मैंने हीरो स्लो लेवल क्यों रखा है, कि ये इस बात के लिए रखा है मैंने, एक स्ट्रेटजी है जहाँ मैं लो लेवल के हीरो से मैक्स बेस उड़ा रहा था। ठीक, तो ये ऐसे बेस हो रहा था मेरे जैसे, बेस मैक्स बेस नहीं था, पर भाई वहाँ पर ग्राउंड एक्सपो था। आपको पता है कि जो ये ग्राउंड एक्सपो होता है ना भाई, वो ग्राउंड ट्रूप्स को कितना डैमेज देता है भैया। मेरे ट्रूप देखो भैया, किंग मर गया, तीन के तीन पैक ऑफ बॉलर सब के सब जल्दी जल्दी मर गए हैं। अब ये फोर्थ वाला अटैक देखोगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि भैया ग्राउंड एक्सपो कितना हार्ड होता है। और ये रहा एक्सपो तो सही होता है नॉर्मल वाला, ठीक, क्योंकि इसका रेंज भी कम होता है और ये डैमेज इतना खतरनाक नहीं दे पाता ना। पर देखो यहाँ पर जो अभी इतना रेंज है इसका, अभी अभी एयर और ग्राउंड दोनों मारता है। अभी जब ग्राउंड एक्सपो होता है तो इसका रेंज देखो कितना ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट और जूम आउट करते हैं ना, ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, और डैमेज भी वही है, खूब अच्छा डैमेज देता है। यहाँ पर देख सकते हो भैया, अभी ये 30 का डैमेज देता है। ठीक, अभी इसे एयर पर करेंगे, यहाँ पर देखो भैया 80 का डैमेज देता है। सिर्फ रेंज का दिक्कत है, रेंज यहाँ पर 11.5 देता है, मतलब डबल एक्सपो, मतलब एयर और ग्राउंड। ठीक है, 11.5। ठीक है, अभी यहाँ पर ग्राउंड एक्सपो देखो तो 14 स्टाइल तक का जाता है डैमेज। भाई साहब क्या ही चीज़ है भाई। तो आप देख सकते हो भैया कि आपको हार्ड बेस कैसे मिलता है और आप कैसे उसको काउंटर करोगे। तो आपको मैंने बता दिया कि है ग्राउंड एक्सपो होगा या फिर एयर एक्सपो होगा, दोनों आपको कैसे इस पर जाना है। ठीक है, स्ट्रेटजी पे और भी अच्छे से बात करेंगे किसी और दिन। अभी तो ये सब क्या कहते हैं, ये सब पीसी के एडवांस और प्रो लेवल वाले भी जाएंगे किसी दिन, और आपको जाना होगा तो मैं मुझसे कमेंट कर देगा इस वीडियो पर, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, तो वीडियो करते हैं एंड, और जो जो नए आए हैं बंदे तो सब्सक्राइब करो। आने वाले दिन में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होने वाली है इस चैनल पे, तो उसको मिस नहीं करोगे तो भैया अच्छी बात आएगी। ठीक है, तो भैया हम चलते हैं क्लैश ऑन करने के लिए।